यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा फूल जो है कितना सुंदर ग्रोथ लिए हुए है और ये बिल्कुल स्वस्थ है। हेलो दोस्तों, नीलम मौसल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, ये ऑरेंज रोज है और इसको मैं आसानी से कटिंग द्वारा ग्रो की थी। तो देखिए इसमें कितना सारा ब्रांच आ गया है और ये बिल्कुल हेल्दी है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग को सवाल रहता है कि मेरा फूल है जो फ्लावरिंग ही नहीं करती है और न इसमें ग्रोथ है, तो इसके बारे में आज कुछ मैं बात करूंगी दोस्तों कि आपका फूल में ग्रोथ आ जाए और आपका भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा कली फूल दोनों लेके आराम से आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ है जो मैं इसको 16 इंच का पॉट में लगाई हूँ। इसको पहले तो मैं छोटा में लगाई थी, लेकिन इसको मैं फिर ज़्यादा इसमें ब्रांच आ गया तो इसको मैं बड़ा में कर दी। तो देखिए कि यहाँ कितना इसमें आप देख रहे हैं कि कली लगा हुआ है, चारों तरफ से इसको फूल नज़र आएगा दोस्तों। और इसमें अधिक से अधिक ब्रांच है, देखिए जैसे कि यहाँ से एक निकला हुआ है जो बहुत ज़्यादा इसमें देखिए यहाँ कली लिए हुए है। तो अगर आपका फूल इस तरह से नहीं है दोस्तों, अगर आपका कली नहीं आ रही है, तो आप आराम से इसमें थोड़ा सा गुड़ाई कीजिए और इसके बारे में मैं बताऊंगी कि आपका रीज़न क्या है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं तो ये फूल मेरा जो है ये ज़्यादा दिन का हो गया है दोस्तों। तो इसको ज़्यादा दिन हो जाए तो इस तरह से इसको तोड़ दिया कीजिए, टूट जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आप तोड़ दिया कीजिए और तोड़ने के बाद इसको आप इसमें ब्रांच नया नया आएगा। तो इसको नहीं तोड़िएगा तो इसका सीड बनाने लगता है, तो इसमें ग्रोथ भी नहीं होती है ना विकास होता है। तो जैसे इसको तोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो तोड़ दीजिएगा तो इसमें जैसे देखिए कि यहाँ इसके अंदर जो होता है इसमें ये सीड बनाने लगता है। सीड बनाएगा यहाँ पर तो आपकी सारी ग्रोथ ये रोक देती है। तो ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं कि फूल ज़्यादा दिन तक छोड़ देते हैं? नहीं दोस्तों, इसको ज़्यादा दिन तक मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि छोड़िएगा तो इसमें सीड बनाने लगेगा तो सारा एनर्जी इधर ले लेगा। तो आप ऐसा मत होने दीजिए, जब भी ज़्यादा दिन फूल का हो जाए तो उसको आप तोड़ दिया कीजिए। तो जैसे देख रहे हैं ये तो अभी खिला ही है, ये खिलने वाला ही है, और जैसे कि इधर देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी है तो अभी कली खिल ही रहा है और कली लगा हुआ है। तो इतना ग्रोथ, इतना हेल्दी फूल रखने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें आपको कुछ करना पड़ता है दोस्तों। तो जैसे कि देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसमें लीव्स देखिए कितना सुंदर सुंदर है और कितना ज़्यादा हेल्दी भी है, चमकीला भी है। तो आपको अगर ऐसा नहीं है तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि पहला नंबर तो इसमें गुड़ाई कीजिए और आप इसमें मिट्टी कैसा रखे हैं इसको देखिए। अगर आपका मिट्टी भुरभुरी नहीं है और नहीं एसिडिक मिट्टी है, जैसे गुलाब प्लांट जो होता है दोस्तों उसको एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इस मिट्टी को आप एसिडिक बनाइए। एसिडिक बनाने के बाद क्या होता है कि इसमें आप जैसे कि आपका एप्पल विनेगर हो गया, वाइट विनेगर हो गया, तो इसको आप डालिए। एप्पल विनेगर, वाइट विनेगर जो भी आपके पास है, अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती डाल दीजिए, तो उससे भी ज़्यादा आपको फ्लावरिंग आएगा और इतना ज़्यादा ग्रोथ है, इतना सारा लीव्स भी आएगा। और इसमें गुड़ाई हमेशा करते रहिए, हर एक 15 दिन पर आपको गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। और ज़्यादा गुड़ाई नहीं कीजिएगा और नहीं इसमें आएगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। गुड़ाई करने से एयर जब जाता है दोस्तों तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी मिलती है और इसका जड़ भी नहीं ज़्यादा बांधेगा। तो अगर आपका पौधा ज़्यादा दिन के है तो इसको आप वैसे ही कीजिए, गुड़ाई कीजिए और 1 लीटर पानी में चाहे कोई भी विनेगर हो उसको आप डालकर इसको सॉइल को पहले एसिडिक बनाइए। जितना ही एसिडिक रहेगा उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगा। तो जैसे कि देख रहे हैं मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रूनिंग भी करती हूँ। अगर आपका जैसे यहाँ देख रहे हैं आपके यहाँ मेरा फूल को मैं कट कर चुकी हूँ, तब आप चाहें तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, यहाँ से हटा दीजिए। अगर यहाँ से हटाइएगा तो इसका ब्रांच 2 भागेगा, इसमें ग्रोथ ज़्यादा आएगा। इस कटिंग को भी मैं आप मत फेंका कीजिए, इसको भी आप किसी चीज़ में ड्रिप कर दीजिए। जैसे कि मैं कटिंग फेंकती नहीं हूँ, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मैं डिस्पोजल गिलास में ही देखी कितना सुंदर इसमें आया हुआ है, चारों तरफ से इसको ब्रांच आ गया है।
इसी तरह से मैं डिस्पोजल गिलास में हर एक कटिंग को ऐड कर देती हूँ। ऐड करने पर दोस्तों जानते हैं क्या होता है कि जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पत्ती भी आ गया है, मैं एक साथ कई गो इसी तरह से डिप कर देती हूँ। डिप करने के बाद जब इसमें ब्रांच आ जाता है तो इसको मैं अलग से अलग अलग करके हटा देती हूँ। तो ऐसे क्या हुआ कि एक से अनेक भी आपका हो गया। अब ब्रांच भी देखिए कि कितना सुंदर इसमें आया हुआ है। तो आप कटिंग को फेंका मत कीजिए, आप डिस्पोजल गिलास हो या प्लास्टिक हो इसी तरह से मैं लगा लगा कर रख देती हूँ। अब मेरा फूल एक से अनेक बहुत ज़्यादा हो, देखिए कि यहाँ भी ग्रोथ आ गया है। तो इसी तरह से मैं कट करते ही रहती हूँ। आप यहाँ से जैसे काटिएगा तो इतना आप 2 इंच को डीप करके अंदर इसको छोड़ दीजिए, तो देखिएगा दोस्तों कितना ज़्यादा इसमें ब्रांच आ जाएगा और आपका कटिंग इजीली ग्रो भी हो जाएगा। तो मेरा सभी प्लांट तो इसी तरह से रहता है दोस्तों। देखिए कितना सारा फूल लिए हुए रहता है, चारों तरफ आपको फूल ही फूल नजर आएगा। तो आप इसी तरह से कीजिए, गुड़ाई करने के बाद इसमें पानी डाला कीजिए, एसिडिक बनाइए और इसको लेयर को सूखने दीजिए। ज़्यादा लेयर इसको सूखेगा तभी इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगा और ज़्यादा विकास भी होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ इसमें ज़्यादा गीलापन रहेगा तो विकास नहीं होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का भी पौधा हो तो उसको प्रॉब्लम में नहीं रहे और उसका विकास हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना फूल को बढ़ाइए और इसको स्वस्थ रखिए।